हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज मी ज्योति। सो मैंने लास्ट वीडियो में पर्पल हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने ओनली NYWay का प्रोडक्ट्स परचेज किया था। सो वो अभी तक ऐसे ही पड़ा है, मतलब पड़ा था। तो ये प्रोडक्ट से ही मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मैंने दूसरी ब्रांड के भी यूज़ किए हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। लेकिन गाइज, आज मेरा फर्स्ट टाइम यूजिंग ये वाला प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्चिंग तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही नया है और मैं पहली बार इसे यूज़ कर रही हूँ। और मैं आप लोग को यूज़ करते हुए बताऊँगी भी ये मुझे कैसा लगा, क्या क्या है इसका, क्या क्या फॉर्मूला है, सभी कुछ डिटेल्स बताते जाऊँगी। उस वीडियो में मैंने ओनली हॉल शेयर किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं करने के साथ साथ प्रॉपरली रिव्यू भी शेयर करूँगी, जैसे मुझे जितना मुझे पसंद आया जैसा है वैसा ही। तो ये सारे प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करके आज का ये वाला लुक क्रिएट किया है। और ये वाला लुक जो है, आप अगर आपको लाइट मेकअप वगैरह पसंद है तो कर सकते हो। और अगर आप लोग ने हॉल वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन प्राइमर पूरा लगा लिया है। नेक्स्ट मैंने जो कंसीलर परचेज किया था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको सभी प्रोडक्ट का लिंक एंड प्रोडक्ट के क्या है शेड नेम वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये कंसीलर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अप्लाई किया मेरे यूजुअल प्लेस पे, देन मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया और ब्लेंड बहुत ही स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। और ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लोग भी जा सकते हो। ये वाला शेड मेरे लिए एकदम परफेक्ट था। तो यहाँ पे मैं एक कॉम्पैक्ट से शेड कर रही हूँ जो कि मैंने परचेस नहीं किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। और सेट करने के बाद में मुझे पता चला कि मैं कंटूर करना भूल गई, जो कि मेरे पास कंटूरिंग स्टिक था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर तो कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं किया था, इसलिए मैं कंटूर कर रही हूँ। ये NYWay का कंटूर स्टिक है, जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में भी। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, फाउंडेशन, करेक्टर, बहुत सारे शेड्स, और इसीलिए ये वाला मैंने कंटूरिंग के लिए परचेस किया है। और ये मैंने पहले भी यूज़ किया, दो स्टिक मैंने इसका ख़त्म करी है, ये तीसरा वाला है। ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है। अगर आप इसका फाउंडेशन का शेड वगैरह लोगे या कंसीलर के लिए लोगे तो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो इसको मैं सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज़र भी परचेज़ किया था और मैं शॉक्ड हो गई गाइस, सच में इतना अच्छा ब्रॉन्ज़र है ये इतना प्राइस के अंदर। बहुत ही अच्छा स्मूथ बटर टाइप से अप्लाई हो रहा था और प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट वाला ब्रॉन्ज़र है, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अगर आप लोग कंटूर करना पसंद नहीं है तो ब्रॉन्ज़र लगा के भी छोड़ सकते हो, इतना अच्छा पिगमेंटेड और अच्छा है। नेक्स्ट मैंने NYWay का ये ब्लश यूज़ किया और गाइस ब्लश भी बहुत ही अच्छा था। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर एक प्रोडक्ट अच्छा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने परचेस किया और वही मैं यहाँ पर यूज़ करके हुए दिखा रही हूँ और मुझे सच में पसंद आया, तो इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर आई मेकअप के लिए मैंने पहले तो जो ब्लश शेड था वो मैंने आई लिड्स पर पूरी अप्लाई किया, देन जो ब्रॉन्जर शेड था मैं उसके ऊपर में थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज पर, देन सेम पिंक शेड को मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लगाई है और मैंने इसको थोड़ा सेटल वाला मेकअप करने के लिए ट्राई किया है। वाइट कलर का काजल परचेज किया था और ये भी बहुत ही अच्छा है। मैंने ब्लैक कलर का बहुत बार यूज़ किया है लेकिन वाइट काजल फर्स्ट टाइम है। देन मैंने ये वाला लाइनर भी बहुत बार यूज़ किया, पहले तो 35-45 रुपीज़ में मिल जाता था लेकिन अभी 95 रुपीज़ वो भी डिस्काउंट के बाद, और बहुत ही अच्छा है ये। मैं बहुत ही पहले से फ़ैन हूँ इस आईलाइनर का। और उसके बाद यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि दूसरी ब्रांड की है, और मैंने थोड़ा अपर एंड लोअर लैश लाइन पे थोड़ी सी मस्कारा अप्लाई किया है। ये मेकअप जिस तरीके का टर्न आउट हुआ है, बहुत ही सटल डेली वेयर के लिए आप लोग इस तरीके का मेकअप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फॉल्स लैसेस भी अप्लाई किया है इस मेकअप लुक को कम्प्लीट करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला मेकअप लुक। आप लोग को ये सटल मेकअप कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। एंड थोड़ी सी मैंने आईब्रो को भी फिलअप किया है जो कि
किसी दूसरे ब्रांड के हैं। एंड मैंने लोअर लैश लाइन पे सेम जो आईब्रो फिलअप किया था उससे ही मैंने थोड़ी सी काजल तरीके से अप्लाई किया, जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई किया गाइस, ये वाला लिपस्टिक मुझे फ्री मिला है जो कि बहुत ही अमेजिंग स्मज प्रूफ पिगमेंटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, तो इसमें आप दूसरी रेंज भी देख सकते हो। एंड देन मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, मैंने डूई एंड मैट लिया था, तो यहाँ पर मैंने डूई सेटिंग स्प्रे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड सेटिंग स्प्रे के बाद मैंने स्पंज से डैब डैब किया, उसके बाद मुझे लगा कि हाईलाइटर का ज़रूरत भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा डूई नेचुरल मेकअप लुक दिख रहा था और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो यही था आज का लुक, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज़।